अश्विन माह के शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। ये नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना, आप देख रहे हैं सुपर टाइम्स। नवरात्रि का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रातें, जिसका शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 पवित्र रातों को देवी माँ ने गुफा में तपस्या की थी और महिषासुर राक्षस का वध किया था। नवरात्रों में देवी माँ की दुर्गा, लक्ष्मी व सरस्वती स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। माता के नवरात्रि की तैयारियां काफी दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। जगह जगह माता के पंडाल सज जाते हैं, जहां माता की दिव्य झांकियां सजाई जाती हैं। माता के 9 स्वरूपों की 9 दिन पूजा की जाती है। माता के कई भक्त व्रत भी रखते हैं। सबसे पहले इस व्रत को श्रीराम ने रखा था। उन्होंने माता से आध्यात्मिक बल, शत्रु पराजय और कामना पूर्ति का आशीर्वाद लिया और 9 दिन तक व्रत रखे थे। रावण से युद्ध में विजयी हुए थे और दशमी के दिन रावण को मारा था। नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा की जाती है। जानते हैं उन 9 देवियों के बारे में। प्रथम है शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती है। उनको सफेद रंग बहुत प्रिय है और माता शांति और पवित्रता का प्रतीक है। द्वितीय है ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारिणी तपस्या और साधना की देवी है। इस दिन पीले रंग का महत्व है। देवी सुख और समृद्धि लेने वाली है। तृतीय है चंद्रघंटा देवी। चंद्रघंटा शांति और साहस की देवी मानी जाती है। तीसरे दिन के लिए हरा रंग शुभ माना। चतुर्थ है कुष्मांडा देवी। कुष्मांडा ब्रह्मांड को रचने वाली देवी मानी गई है। इस दिन का रंग नारंगी है, जो ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक होता है। पंचम है स्कंद माता देवी। भगवान कार्तिकेय की माता है, शांति और भक्ति की देवी मानी जाती है। यह दिन सफेद रंग को समर्पित है। छठी देवी है कात्यायनी देवी। कात्यायनी शक्ति और साहस की प्रतीक है। छठे दिन के लिए लाल रंग शुभ माना जाता है। सप्तम है कालरात्रि देवी। कालरात्रि बुराई का नाश करने वाली देवी मानी जाती है। इस दिन का रंग नीला है, जो शत्रुओं का नाश करने का प्रतीक है। अष्टम है महागौरी देवी। महागौरी पवित्रता और शांति की देवी है। इस दिन का रंग गुलाबी है, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। नवम है सिद्धिदात्री देवी। सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। नवमी के दिन बैंगनी रंग को शुभ माना जाता है। नवम देवी के इन 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन दुर्गा की पूजा की जाती है, जिसमें हम तमस को जीतने की आराधना करते हैं। दूसरे 3 दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इन 3 दिन रजस को जीतने की आराधना करते हैं और तीसरे 3 दिन तक देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, जो कि सत्व को जीतने की आराधना करती है। देवी भक्त 9 दिन तक जागरण, कीर्तन, मौन, उपवास, गरबा नृत्य पूजा करते हैं और इस तरह से देवी माँ के नवरात्रि पूरे होते हैं।